मैं बता दूं, 20-20 मिनट्स का पेपर होता है। 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश में आपको 3500 प्लस आई है, मतलब 8500 प्लस आ रखी है। अभी और भी वैकेंसीज, आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है ना, मतलब नींद नहीं आएगी। तो सुबह सुबह या तो आप मैथ्स बनाओ या फिर रीजनिंग बनाओ, जिसमें आपका दिमाग ज्यादा, जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका। तो मैं मैथ इंसान भाई इतना नहीं पढ़ सकता, उनको माइंड को रेस्ट की जरूरत भी होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे बैंक का एग्जाम क्लियर कर सकते हो ओनली इन 15 डेज। क्योंकि जैसे कि कैलेंडर पहले ही आ गया है बैंक एग्जाम का कि 4 या 6 डेट से स्टार्ट हो जाएंगे सारे बैंक्स के एग्जाम। IBPS, RRB, PO और क्लर्क का फॉर्म आ चुका था पिछले महीने जून में ही आपने भर लिया होगा। और अभी जो करंटली आ रखा है IBPS क्लर्क का, जिसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई, तो आप लोग जाके उसमें भर लेना तब तक IBPS क्लर्क का। और IBPS PO का भी आने वाला है, और इसके बाद और भी एग्जाम्स है। SBI PO क्लर्क का भी आएगा फॉर्म, उसको भी भर लेना जिसको बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ बैंक एग्जाम के रूटीन, मतलब जो टाइम टेबल फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आपको अगर बैंक एग्जाम का पेपर निकालना है 15 दिन, क्योंकि लगभग 15 दिन ही बचे हैं, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, अगर निकालना है तो आपको दिन रात एक करना ही पड़ेगा। और दिन रात एक करने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा जिसको पता नहीं है बैंक्स एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स होते हैं, उसके बाद मेंस होता है, देन इंटरव्यू। क्लर्क का पेपर है तो इंटरव्यू नहीं होगा, पीओ का पेपर दे रहे हो तो इंटरव्यू भी होगा। कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मेनली क्लर्क्स में अगर आप उत्तराखंड से भर रहे हो तो बहुत हाई जाती है। तो आपको दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा, मतलब ये भी नहीं कि आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ने ही बैठे हो, मन से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझ कर आपको बेसिक्स। अब क्योंकि टाइम नहीं है कि आप बेसिक्स क्लियर करो, जितने भी आपके बेसिक्स क्लियर है उसको और मजबूत करो, उन टॉपिक्स को और मजबूत करो, कि आप जितने भी अटेम्प्ट करके आए वो आपसे गलती ना हो, उसमें गलती ना हो, ठीक है। तो मैं बता दूं, 20-20 मिनट्स का पेपर होता है। 20 मिनट्स में आपको इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ्स और क्वांट में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन बेसिस में ये पेपर होता है, ठीक है। तो अभी जो IBPS, RRB, PO और क्लर्क की जो वैकेंसी आई है वो 8500 प्लस आई है, मतलब 8500 प्लस आ रखी है। अभी और भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सारे बैंक्स ने अपनी वैकेंसी नहीं निकाली है। और जो हमारी IBPS क्लर्क का जो अभी फॉर्म आया है, IBPS RRB अलग है, वो ग्रामीण बैंक के लिए ये सब के लिए होता है। अभी जो आया IBPS क्लर्क के लिए आया है ये वाला जो फॉर्म है, इसमें 5000 प्लस वैकेंसीज है, और भी आएंगी आगे को, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो ग्रामीण बैंक है वो भी बहुत सारे मर्ज हो गए हैं, तो फिर उसमें वैकेंसीज कम आती हैं। और जो IBPS क्लर्क है वो भी मर्ज हुए हैं, लेकिन उसमें अभी है काफी है, तो उसमें उससे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, आनी बाकी है। SBI का भी फॉर्म नहीं आ रखे हैं, तो SBI में भी काफी आएंगी। तो आपके पास कुल मिलाकर IDBI का पेपर हो चुका है, तो कुछ अभी बहुत सारे बैंक्स के आने बाकी हैं। वैसे तो अगर आप लोकल्स बैंक, नैनीताल बैंक के आएंगे महाराष्ट्र, मतलब बहुत सारे लोकल के तो आते हैं, जो मेन होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है वो ये मेन 6 पेपर होते हैं हमारे। IBPS RRB PO क्लर्क 2 हो गए, IBPS क्लर्क PO 4 हो गए, SBI PO क्लर्क 6 हो गए, ठीक है। तो ये मेन होते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते हैं, तो दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको एक टाइम टेबल बता देती हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपका कुछ हो सकता है, चांसेस हैं कि हो जाए, क्योंकि तैयारी तो आपने पहले से करनी थी। लोग 3-4 सालों से भी पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर 15 दिन में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने दिन रात एक करी तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रूटीन बताने वाली जो मैं फॉलो करती हूँ, और जो आप भी फॉलो करोगे तो मे बी आपका भी सिलेक्शन। तो ये है, सबसे पहले सुबह आपको 4 बजे उठना है, उसके बाद 4 to 4:30 आपने एक्सरसाइज या फिर फ्रेश होना है, आपने अच्छी तरह फ्रेश होना है ताकि आपको नींद ना आए आगे तक। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ देन फ्रेश होके। उसके बाद 4:30 to 5:30 आपने मैथ्स बनाना है, क्योंकि मैथ्स से आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है ना, मतलब नींद नहीं आएगी। तो सुबह सुबह या तो आप मैथ्स बनाओ या फिर रीजनिंग बनाओ, जिसमें आपका दिमाग ज्यादा, जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका। तो मैं मैथ्स बनाती हूँ, आप रीजनिंग भी बना सकते हो। उसके बाद 5:30 to 5:50 आपने सेक्शनल मॉक देना है, क्योंकि आपने अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो आप मैथ्स का सेक्शनल मॉक देना जो कि 20 मिनट्स का होगा, और अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे तो रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना जो कि आपका 20 मिनट, वो भी आपका 20 मिनट्स का होगा। उसके बाद जो भी आपने किया, जितने भी गलती हुई, जितने भी आपने नहीं सॉल्व किया, उसकी एनालिसिस करनी है आपने 6:30 तक, ठीक है। 5:50 to 6:30 तक, मतलब 40 मिनट्स आपको उसमें देने हैं, एनालिसिस करना है उसका और सॉल्व करना है कि आप कैसे उसको और बना सकते हो या फिर उसके बेसिक्स को जानना है। उसके बाद आपने 6:30 to 7:30 तक आपने रीजनिंग क्लासेस लेनी है, या आप यूट्यूब से ले सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस करते हो तो बुक के थ्रू प्रैक्टिस करते हो तो बुक के थ्रू कर लेना, मोबाइल में कोई ऑनलाइन एप्स के थ्रू करते हो तो ऑनलाइन एप्स के थ्रू कर लेना। उसके बाद 7:30 to 10 AM आप फ्री हो, आपने ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, या फिर इधर उधर कहीं जाना है, या घर का कुछ काम करना है, तो आप इसमें कर सकते हो फ्री होके।
उसके बाद आपने अपना शेड्यूल बनाना है कि 10 से 11 बजे तक आपने इंग्लिश का कुछ पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश का कुछ मतलब आप अगर वो कैप्स आपने नोट्स बनाए वो कैप्स के, या फिर वीडियोस देख लो वो कैप्स के, या फिर इंग्लिश के ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं वो याद कर लो, या फिर आप मैगजीन्स पढ़ते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप उसको रीड कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो। एक घंटे का आपको पूरा इंग्लिश का टाइम देना है। उसके बाद आपने 11 to 12 मॉक टेस्ट देना है। अगेन ये मॉक टेस्ट आप मेमोरी बेस्ड देना, मेमोरी बेस्ड होगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी भी ऐप में जिसमें जिस भी ऐप से आप पढ़ते हो उस ऐप में से देना आप मॉक टेस्ट। एक घंटे का पूरा 60 मिनट का पूरा मॉक टेस्ट रहेगा। उसके बाद ये 60 मिनट का जो मॉक टेस्ट रहा है उसकी एनालिसिस आपको एक घंटे और करनी है कि आपने क्या गलती करी है और क्या नहीं करी है। उसके बाद 1 to 1:30 तक आपने रीडिंग करनी, क्योंकि एनालिसिस क्या वैसे ही आपका माइंड बहुत थक जाता है, तो उसके बाद आपने रीडिंग करनी है। आप नोवेल पढ़ते हो तो नोवेल, मैं तो नोवेल पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने बुक्स मंगा रखी तो मैं नोवेल पढ़ती हूँ। आपको जैसा सही लगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा यू नो माइंड का वो थोड़ा अलग सा कुछ हो तो मैं रीडिंग करती हूँ, उस समय थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आपने 1:30 to 4 आपने रेस्ट करना, आप लंच कर लो आपको थोड़ा, क्योंकि इतना पढ़ोगे तो भाई थोड़ा रेस्ट तो चाहिए, आगे और पढ़ने के लिए आपको माइंड को थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो लंच कर लो, थोड़ी देर सो जाओ, कुछ और एक्टिविटी करते हो तो आप वो एक्टिविटी कर लो। उसके बाद 4 to 5 PM आपने दोबारा मेंस की क्लासेस देखनी है। अगर आप बुक्स से पढ़ते हो तो ठीक है, अगर आप यूट्यूब में कोई क्लासेस लेते हो या ऑनलाइन आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप उससे पढ़ सकते हो। एक घंटे मेंस की क्लास लेकर आपने 5 to 6 दोबारा जो मेंस की क्लास के नोट्स बनाए हैं या फिर जो भी आपने सीखा है उसका प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आपको वो आएगा नहीं, तो एक घंटे की क्लास का एक घंटे का ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 6 to 7:30 आपने रेस्ट करना है, प्रैक्टिस करके ऑलरेडी आप थक जाओगे तो 7:30 तक रेस्ट करना है, क्योंकि शाम का टाइम टहलने का टाइम होता है, थोड़ा चाय पानी जो भी मतलब आप करते हो रेस्ट करना। उसके बाद 7:30 to 8:30 आपने जीएस की क्लासेस लेनी है, यूट्यूब से आप ले लो। मैं जो पढ़ती हूँ वो है आशीष गौतम सर की, जो कि अड्डा 247 के हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं उनका, मतलब वो बहुत सब कुछ सही पढ़ाते हैं, मेरे को सही लगता है। आपको अगर पढ़ना चाहे तो आप आशीष गौतम करके सर्च कर लेना अड्डा 247 पे, एक घंटे की उनकी जीएस की क्लास होती है, आप स्किप करके भी देख सकते हो। वो आपको धीरे धीरे शुरू में बोर लगता है लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरह से देखना है, उसके नोट्स बनाना है, नोट्स बना लेना। मैं तो खाली देखती हूँ और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। उसके बाद 8:30 to 9 आपने आधे घंटे की जीएस जो आपने देखा है उसमें उसका रिविजन कर लेना। उसके बाद 9 to 10 आपने रेस्ट करो, डिनर करो, जो भी करते हो आप डिनर कर लेना। उसके बाद 10 to 11 दोबारा मॉक, डिनर के बाद नींद आती है, खाने के बाद नींद आती है ना, तभी फिर मैंने इसमें मॉक टेस्ट किया, क्योंकि इसमें ध्यान हमारा लगे रहता है, तो एक बार ध्यान लग गया तो फिर आगे भी लगे रहता है। तो मॉक टेस्ट एक घंटे का दोबारा ले लेना आप उस, अगर इसमें आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट ले लोगे ना सुबह, अगर इसमें मेमोरी बेस लिया तो उसमें नॉर्मल वाला ले लेना, अगर उसमें मेमोरी नहीं लिया तो उसमें मेमोरी बेस ले लेना मॉक टेस्ट। उसके बाद 11 to 12 आपने जो भी मॉक टेस्ट किया उसका दोबारा एनालिसिस करोगे, फिर जाके आपको सोना है, 4 घंटे की नींद लेनी है। सो गाइस आई होप आपको ये मेरा टाइम टेबल पसंद आया होगा, मैं तो यही फॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। पसंद की बात क्या, आपने इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो मैंने रेस्ट का टाइम दिया है वो मुझे उसमें कुछ काम पड़ जाते हैं तो फिर मुझे वो करना पड़ता है। आप इसमें अपना जो फ्री टाइम है अगर आपको मन है और पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इंसान भाई इतना नहीं पढ़ सकता, उनको माइंड को रेस्ट की जरूरत भी होती है। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो से कोई हेल्प मिलेगी और मिलने भी चाहिए। अगर मिल रही है तो प्लीज कमेंट में बताना और मुझे बताना किस किसने आईबीपीएस क्लर्क और पीओ का फॉर्म भरा है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ का, क्योंकि अभी आईबीपीएस का पीओ नहीं आया है, फॉर्म क्लर्क का आया है। कमेंट में मुझे बताना क्या आपने भरा है या नहीं भरा है। नेक्स्ट ब्लॉग अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं कि इसके सोर्सेज, पढ़ने के सोर्सेज क्या हैं या फिर कहां से पढ़ना चाहिए बुक से, कौन से ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर यूट्यूब में कौन सा चैनल है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बनाऊंगी वीडियो अगर आप तक ये पहुंच रही है तो, जो भी बैंकिंग इंस्पिरेशंस हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सो गाइज सब्सक्राइब, शेयर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।